नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल कप्तानगंज आजमगढ़, एडमिशन जारी। बिजनौर के शेरकोट थाना क्षेत्र के आरजी कंधला रोड पर बने एक मदरसे दारुल कुरान हमीदिया में पुलिस ने कल छापेमारी की थी। पुलिस इस मदरसे में मुखबिर की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची थी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने यहां से 6 लोगों को हिरासत में लिया था। पुलिस इनके पास से 4 तमंचे, 1 पिस्टल और 24 जिंदा कारतूस बरामद किए थे। पुलिस ने आज 6 आरोपियों को अवैध शस्त्रों की तस्करी में जेल भेज दिया है। एसपी संजू त्यागी ने अवैध शस्त्रों की तस्करी का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस घटना के मुख्य आरोपी मदरसा संचालक मोहम्मद साजिद, अजीजुर रहमान, जफर, सिकंदर अली और मोहम्मद साबिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 4 तमंचे, 1 पिस्टल, 6 मोबाइल फोन और 1 स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की है। तस्करों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वो लोग मदरसे में जरूरत के मुताबिक शस्त्र खरीदने आए लोगों को शस्त्र देने का काम करते थे। विभिन्न जांच एजेंसी द्वारा पूछताछ की जा रही है। फरार आरोपी आरिफ और आसिफ गिरफ्त से बाहर हैं। पकड़े गए सभी आरोपी हथियारों की खरीद फरोख्त करने का काम करते थे और इनसे जो रुपया मिलता था उसे मदरसे के कामों में खर्च कर लेते थे। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। सीओ अफजलगढ़ की टीम ने थाना शेरकोट से 6 लोगों को दारुल कुरान हमीदिया मदरसे से हिरासत में लिया है। इनके पास से हथियार बरामद हुए हैं। 3 315 बोर के तमंचे हैं, 1 32 बोर का तमंचा है, 1 पिस्टल है, 2 मैगजीन है, 57 कारतूस हैं। इनके पास एक गाड़ी है जिस पे लिखा हुआ है हारे का सहारा बाबा श्याम। ये जो मदरसा संचालक है उसका दवाखाना है जिसके डब्बों के अंदर से ये पिस्तलें और हथियार बरामद हुए हैं। इनके 2 साथी अभी फरार हैं, आरिफ और आसिफ। आसिफ का काफ़ी लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसकी हिस्ट्री शीट थाना शेरकोट में खुली हुई है। टीम इन 6 लोगों को आर्म्स एक्ट में जेल भेजा जा रहा है। पूछताछ पर जानकारी हुई है कि ये अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त में लिप्त हैं और उससे जो मुनाफा होता है उससे इस मदरसे का संचालन कर रहे थे। ये रेजिडेंशियल मदरसा है जहाँ पे 14 बच्चे बिहार से भी आके रह रहे हैं, अररिया जिले के वो रहने वाले हैं। और जो यहाँ का फाइनेंस है इसको अजीजुर रहमान देखता है। इनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। इनके दोनों साथियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम अभी लगी हुई है। ये सर हथियार कहाँ से आते थे और कहाँ सप्लाई होते थे? आरिफ और आसिफ जो हथियारों का बाहर से खरीदने का बेचने का काम करते हैं वो दोनों अभी भागे हुए हैं। इनका जो मेन सहयोगी है मोहम्मद साजिद जो मदरसे का संचालक भी है वो पकड़ लिया गया है। उसके पार्ट से जो सूचना मिली है उस पर अभी और तफ्तीश हो रही है। जब ये दोनों पकड़ने आ जाएंगे पूरा चेन खुल के आ जाएगी। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।